माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है वो है संसाधन। संसाधन क्या है, हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने निजी जीवन में बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग करते हैं और वो सारे वस्तुएं जो हैं हमारे लिए उपयोगी होते हैं, वो सारे वस्तुएं एक तरह का संसाधन है और उस संसाधन का हम उपयोग अपने निजी जीवन में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश होने के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ता है, तो वाटर आपके लिए एक संसाधन हुआ, ठीक है। लेकिन वो वाटर कहाँ से आ रहा है, वो वाटर कहाँ से आ रहा है आपका, ठीक है, कुआं से आ रहा है, ठीक है, हैंडपंप से आ रहा है या मोटर से आ रहा है, नल से आ रहा है। तो वाटर को लाने के जो कुआं है एक संसाधन है, नल एक संसाधन है, ठीक है, ये सारे हमारे लिए संसाधन ही तो हैं। अब क्या है कि ब्रश करने के लिए, मुंह धोने के लिए ब्रश की आवश्यकता होती है, ब्रश भी एक संसाधन है। स्नान करने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ता है, साबुन भी हमारे लिए संसाधन है। फिर स्टोल, तौलिए, कपड़े पहनने के लिए, भोजन खाने के लिए, ठंड लग रहा है तो धूप में जाने के लिए, हमें जीवन जीने के लिए जितने भी आवश्यकताओं, जितने भी वस्तुओं का आवश्यकता पड़ती है, वो सारे वस्तुएं एक तरह का संसाधन है। एकदम सिंपल भाषा में आप समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधन के दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय, ह्यूमन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा पर्याप्त हो या प्राकृतिक द्वारा जो बनाए गए हैं, नेचर ने जिसको बनाया, ठीक है, वो सारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन के भी कई टाइप होते हैं। प्राकृतिक संसाधन के दो टाइप होते हैं, पहला नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। कैसे, सो मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करके, ठीक है, वो कभी चाहे उसका हम जितना भी उपयोग कर ले वो कभी खत्म होगा ही नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। फॉर एग्जाम्पल हवा, समझ रहे हैं, हवा, सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, इसे आप चाहे जितना यूज करना है आप कर लीजिए, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि एक बार उपयोग कर लिए उसका मात्रा सीमित है, वो अब धीरे धीरे वो समाप्त हो सकता है। जैसे ईंधन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब क्या है, कोयला, ये सब का मात्रा जो है जितना है उपयोग कर लेंगे, उसके बाद एक समय क्या होगा, जब ये खत्म हो जाएंगे तो इन्हें बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है। अब नवीकरणीय संसाधन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जैव और दूसरा सतत अथवा प्रवाह, ठीक है। सतत प्रवाह में जो होता है वो मनुष्य द्वारा डेवलपमेंट करना, उसके संतति को बचाए रखना। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, टाइगर। टाइगर जो है हमारे प्राकृतिक का एक हिस्सा है और धीरे धीरे इनकी जनसंख्या खत्म हो रही है, तो इसका विकास के लिए, ठीक है, सतत विकास, ठीक है, इसका विकास के लिए हमें क्या है कि कुछ अपना नियम या रूल रेगुलेशन बनाएंगे कि जंगल से लकड़ियां कम लाना है और सूखी हुई लकड़ियों की लाना है, या जंगल को बचाना है, पेड़ पौधे लगाना है, इस तरह का हम लोग विकास करते जाएंगे, यही है आपका सतत प्रवाह, मतलब डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा है जैव, जो इसके अंतर्गत आते हैं वनस्पति और वन्य जीव। इसके अंतर्गत वनस्पति, जंगल और जंगली जानवर आते हैं, जिनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, ठीक है, हमें मनुष्य का दायित्व है कि हम अपने आसपास
कि जंगलों को हिफाजत करेंगे, ठीक है, और अपने आसपास पेड़ पौधे भी लगाएंगे। तो ये था आपका प्राकृतिक संसाधन। अगर इसमें आपको दिक्कत हो या नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन में आपका ये बच रहा है, दो अनवीकरणीय संसाधन के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। पुनः चक्रीय, यानी कि वैसे संसाधन जिसको हम लोग पुनः चक्रीय करके नया नया चीज बना सकते हैं, जिसे धातु मिल गया, धातु के कई तरह का चीज हम लोग बना सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अचक्रीय चक्रीय, इसमें आता है जीवाश्म ईंधन, जिसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आज उपयोग कर रहे हैं, कल खत्म हो जाएगा, तो भैया नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इसीलिए ये अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं, समझ गए। धातु को बनने में भी बहुत वर्ष लग जाता है, इसीलिए ये भी अनवीकरणीय संसाधन है, परंतु धातु को हम लोग कई तरह से उपयोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। धातु अगर पुराना हो गया, सड़ गया, टूट गया, तो उसको हम लोग रिसाइकलिंग करके भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पुनः चक्रीय बोला जाता है, इसको उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए अचक्रीय संसाधन कहा जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ना भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि मैं अगले बार और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ठीक है, नेक्स्ट में मानवीय, मानव भी स्वयं में एक संसाधन है। मान लीजिए अगर आप उद्योग लगा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा उद्योग है, तो क्या है भैया, हम खुद ही कर लेंगे सारा काम, कि इधर पे ये हम ही करेंगे, काउंटर पे हम ही बैठेंगे और माल को तैयार हम ही करेंगे, बेचेंगे हम ही भी, तो नहीं भैया, मानव भी एक संसाधन है हमारे उद्योग को बनाए रखने के लिए। ये संस्थाएं, इसके भी दो टाइप होते हैं, संस्थाएं मात्राएं गुणवत्ता संस्थाएं, ठीक है। मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी हम चालू की, या रिलायंस कंपनी चालू है, तो क्या रिलायंस कंपनी के जो मालिक है अकेले पूरे इंडिया में कवर कर रहा है? नहीं, उसके लिए मानव को संसाधन बनाया गया है, ठीक है। मानव क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं संसाधन, ठीक है, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये है आपका संस्थाएं, बड़े बड़े कंपनी, ठीक है, जो मानव संसाधन को डेवलप कर रहे हैं एक चेन के सिस्टम से एक दूसरे के। जैसे कि हमें आज के डेट में एक सिंपल सा उदाहरण आपको दे देता हूं, हमको मोबाइल पसंद आ गया, ठीक है ना, तो यहां से ऑर्डर किए तो मोबाइल आ गया, तो इसको पहुंचाने के काम कौन किया, हमारे तक उसको लाने का काम किया कौन किया, एक मानव किया, एक इंसान किया, वो भी एक संसाधन बना, ठीक है। अब आज मेरे को खाना बनाने का मन नहीं किया, तो हम ऑर्डर मार दिए, तो मेरे पास खाना आ गया, समझ गए ना। अब बोलता है मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा किस टाइप का वो संसाधन है, कितने आदमियों को वहां आवश्यकता है, गुणवत्ता किस गुण वाले व्यक्तियों का वहां आवश्यकता है। मतलब अगर टीचर के लेवल में बहुत ज्यादा, ठीक है, टीचिंग लेवल पे, तो वहां किसी भी व्यक्ति को संसाधन बना के तो आप नहीं भेज दीजिएगा ना, कि जाओ भैया तुम भी संसाधन हो, कहीं से वो उठा के, कि आदमी भी तो एक मानवीय संसाधन है, वो वहां जाके पढ़ा सकता है, तो पढ़ा सकता है, लेकिन उसके अंदर का जो गुण है, क्वालिटी है, वो पढ़ाने वाला होना चाहिए, तब ना। अब यहाँ पे हम भेज देंगे किसी अशिक्षित व्यक्ति को स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पढ़ाने का गुण नहीं। अब मान लीजिए कि डॉक्टर का काम के जगह में हम टीचर को भेज देंगे कि जाइए भैया आप वहां, तो टीचर डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर सकता है, ठीक है, वो डॉक्टर ही कर सकता है। अब जो एरोप्लेन चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके पास हम लोग किसको भेज देंगे, गाड़ी चलाने वाला को, तो क्या चला पाएगा, नहीं। ये गुणवत्ता की क्वालिटी, उसके अंदर किस टाइप की क्वालिटी, कैसा गुण है, उस टाइप की आवश्यकता के अनुसार मानव एक दूसरे के आवश्यकता बनता है, संसाधन बनता है और कार्य करता है। तो यही था मानवीय संसाधन। अगर आपको ये समझ में आया होगा संसाधन, तो आप कमेंट में लिख कर हमें जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद।